साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सामाजिक मुद्दों से संबंधित एक टॉपिक, जिस टॉपिक का शीर्षक है विवाह की बुनियाद और सहजीवन, सहजीवन मतलब लिव इन रिलेशनशिप, इसके संबंध में यह आर्टिकल है। और यह आर्टिकल जो है जनसत्ता, जो आपका न्यूज़पेपर आता है, उसमें यह संपादकीय दिया गया है और इस संपादकीय को विभा त्रिपाठी जी ने लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल जो है आपके जो UPSC या UPPCS मेंस या जो अन्य स्टेट पीसेस के जो मेंस होते हैं, उसमें जो GS पेपर 1 आता है, जिसमें सामाजिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, तो GS पेपर 1 और निबंध से संबंधित या उससे इसको रिलेट किया जा सकता है। और कहीं पे यदि कहीं डिबेट होती है या कहीं आपको बात रखनी है, तो वहाँ पर भी इस संपादकीय के या इस आर्टिकल के पॉइंट को आप रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे पॉइंट इसमें दिए गए हैं, आप इसका इस्तेमाल अपने एग्जाम में या कहीं पे डिबेट में आप कर सकते हैं। तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। तो समाजशास्त्री एमिले दुर्खिम, आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं, कहीं यदि आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। समाजशास्त्री एमिले दुर्खिम का मानना था कि जब समाज में अत्यधिक तेजी से असंगत परिवर्तन होगा, असंगत परिवर्तन, तो पुराने मूल्य और परंपराएं ध्वस्त हो जाएंगी, समाज नए मूल्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। ऐसा संक्रमण ग्रस्त समाज जो है मूल्य और नैतिकता से परे एक बीमार समाज को जन्म देगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, पर जब जब परिवर्तन की गति अनियंत्रित, अनियमित और बिना अनुशासन के रही है, प्रकृति ने कहर बरपाए हैं। नए प्रकार की सामाजिक संरचना नई मान्यताओं को गढ़ती है, नए प्रकार की सामाजिक संरचनाएं नई मान्यताओं को गढ़ती, नए तरीके की सोच रखती, नए रास्तों और विकल्पों की तलाश करती और समाज के लिए नई चुनौतियां पैदा करती हैं। भारत के विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो यहां विवाह और परिवार को उच्च स्तरीय सामाजिक संस्था का दर्जा प्राप्त है, जिसका विकास एक लंबे कालखंड के दौरान हुआ है। हिंदू विधि में विवाह को एक संस्कार माना जाता है और मुस्लिम विधि में एक संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जब संस्कार की बात करते हैं तो पता चलता है कि एक वैध विवाह की कानून में कुछ शर्तें बताई गई हैं। मसलन होम और सप्तपदी, ये दो चीज़ें हैं, होम और सप्तपदी, अगर उनका अनुपालन नहीं किया गया तो विवाह वैध नहीं माना जाएगा। यानी अगर वर वधु मतलब दुल्हा दुल्हन अपने इष्ट मित्रों को साक्षी मानकर मंदिर में माला आदान प्रदान कर विवाह करते हैं तो उसे वैध विवाह नहीं माना जाएगा। यही कारण है द्विविवाह के जिन मुकदमों में, मतलब जहां किसी व्यक्ति ने दो विवाह किए हों, तो द्विविवाह के जिन मुकदमों में न्यायालय को दोनों विवाह वैध नहीं मिलते, वहां द्विविवाह का अपराध भी सिद्ध नहीं माना जाता। और फिर उस विवाह संबंध में आई महिला की सामाजिक विधिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उसके भरण पोषण के बाबत न्यायपालिका का निर्णय कैसा होगा, यह उस न्यायाधीश के उदारवादी दृष्टिकोण के अधीन होता है। इससे अलग हटकर वैध रीत से ऐसे विवाहित दंपत्ति का प्रसंग लिया जाए जहां विवाह दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों को धत्ता बताते हुए दहेज की मांग और पूर्ति के अधीन संपन्न किया जाता है, तो वहां विवाह के बाद की जाने वाली मांग, प्रताड़ना और हत्याओं के मद्देनजर आपराधिक विधि में बड़े परिवर्तन किए जाते हैं और क्रूरता तथा दहेज हत्या को अपराध घोषित किया जाता है। समय के साथ बदलते समाज में पति और पत्नी दोनों को नौकरी करने की आवश्यकता पड़ी और नौकरी की शर्तों और दशाओं को पूरा करते हुए पारिवारिक दायित्वों का बोझ अकेले पत्नी द्वारा उठाना कठिन प्रतीत होने लगा। तो इस परिस्थिति को भांपते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति हर प्रकार के विभेद को समाप्त करने के लिए एक अभिसमय अस्तित्व में आया। उसमें स्पष्ट कहा गया कि मातृत्व एक जो है सामाजिक जिम्मेदारी है, यानी समय के साथ समाज और सामाजिक संबंधों को समझौतों की सीढ़ी पर ही चलना होता है, अन्यथा एक पक्ष द्वारा झेले जा रहे तनाव, अवसाद और कुंठा को उसकी अगली पीढ़ी न सिर्फ सिरे से खारिज करती है बल्कि इस संस्था के चूल्हे तक हिला देती हैं। अब सब कुछ बदल चुका है, अब लड़की लड़कों के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थान में पढ़ती है और कई बार उसे अपने शहर से दूर जाकर रहना पड़ता है। फिर आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में सरकारी, निजी, गैर सरकारी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे में इस युवा पीढ़ी के साथ जाने अनजाने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं
जब उन्हें अपने विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ भी रहना पड़ता है। इसका कानूनी संदर्भ में देखें तो लगता है कि हमारे यहाँ कानून में इस आशय का कोई भी विधान नहीं है। जो दो वयस्क लोगों को स्वेच्छा से साथ रहने में किसी प्रकार की कोई रोक लगाता हो, यहाँ कानून जो है वो नैतिकता के साथ कदम ताल में पीछे छूट जाता है। हालांकि कानूनी तौर पर किसी कृत्य को अपराध न मानना एक बात है और रूढ़िवादिता की जड़ों में पनपते पितृसत्तात्मक समाज का घृणास्पद पहलू दूसरी बात। ऐसी परिस्थितियां भी समाज में बनने लगी हैं कि वयस्क युवक युवतियां बिना विवाह के एक साथ छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहने लगे हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने को तैयार नहीं है। नतीजन ऐसे संबंधों में भी हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और लैंगिक हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। इसके मद्देनजर 2005 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। उसमें कहा गया कि ऐसे जोड़े जो बिना विवाह के साथ रह रहे हैं और स्त्री हिंसा की शिकार हो रही है उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त अधिनियम में हिंसा को रोकने की व्यवस्था की गई थी, न कि बिना विवाह के पति पत्नी की तरह रहने वालों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। यहाँ ये पॉइंट समझने की बात है कि 2005 का जो अधिनियम था उसमें हिंसा को रोकने की बात है, जो बिना विवाह के भी रह रहे हैं उनमें जो हिंसा होती उस हिंसा को रोकने की बात की गई थी, न कि बिना विवाह के पति पत्नी की तरह रहने वालों को कोई कानूनी मान्यता प्रदान की गई। यानी कानूनी रूप से विवाहित पति विवाहिता पत्नी तो होती है मगर कानूनी रूप से सहजीवन नहीं सुना गया, मतलब कानूनी रूप से लिव इन रिलेशनशिप नहीं सुना गया। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समाज की संक्रमणकालीन विभीषिका ने पुरानी संस्थाओं को तिरस्कृत कर उससे बगावत करने को उत्प्रेरित कर दिया। युवा पीढ़ी की लड़कियों को लगा कि अगर विवाह का बंधन नहीं होगा तो उससे जुड़ी पेचीदगियाँ भी नहीं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि महिलाओं के उत्पीड़न की जड़ की मूल जड़ विवाह है। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक नए प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई कि ऐसी लड़कियों के अपने अभिभावकों से संबंध टूट गए। इस तरह आधुनिक बनने की होड़ और समूहगत दबाव में जब युवा पीढ़ी ने प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण जैसे मूल्यों को तिलांजलि दे दी तो उनके समक्ष कोई विकल्प नहीं बचा। आजकल श्रद्धा हत्याकांड के विविध पक्षों पर बहस हो रही है और कहीं लव जिहाद और घर वापसी के जैसे मुद्दों पर दंगल चल रहा है। गौरतलब है कि आज से 20 वर्ष पहले नैना साहनी तंदूर कांड भी इससे कुछ अलग नहीं था। सुशील वर्मा ने नैना साहनी के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक मान्यता देने की जगह नैना के एक मुस्लिम मित्र से संबंध के शक में गोली मार दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर की बोटी बगिया रेस्तरा के तंदूर में जला दी। आज की तारीख में अभियुक्त की मृत्युदंड की सजा आजीवन कारावास में बदल दी जा चुकी है। ऐसे में न सिर्फ समाज के ठेकेदारों बल्कि इस उदयमान युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि हमें आधुनिकता, भौतिकता और विकृत पूंजीवादिता की अंधी खाई में कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अब यह भी समझना होगा कि अगर एक स्तर पर आकर यह आरोप लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति द्वारा विवाह का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाए गए थे तो न्यायालय की भी मदद कर पाने की स्थिति में नहीं रह जाता। वह पूछता है कि अगर आप वयस्क थे और स्वतंत्र सहमत के मायने जानते थे तो आपको यह भी समझना चाहिए कि ठहराव कहां और कब आना चाहिए। अगर हम उन मानवीय मूल्यों की तलाश एक अंधे कुएं में करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर विवाह को महिला उत्पीड़न की मूल वजह मानने वालों से पूछा जाए कि इसका समाधान क्या नैना साहनी या श्रद्धा हत्याकांड में दिखाई देता है तो आवाज आएगी कि नहीं। यानी आज आवश्यकता इस बात की है कि उस वैवाहिक संबंध को पुनः परिभाषित किया जाए और अधिकारों और कर्तव्यों का पारदर्शी तरीके से परिमार्जन किया जाए। मूल्यहीनता के जिस भंवर में समाज धंसा जा रहा है उसे समय रहते उससे निकाला जाए, क्योंकि प्रभुत्व, प्रभाव और वर्चस्व की लड़ाई में कुंठित मानसिकता हावी होती है, धर्म विशेष की हठधर्मिता नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो यहाँ पर ये टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं।